ये देखिए फ्रेंड्स, रजनीगंधा के फ्लावर्स मेरे यहाँ कितने सुंदर तरीके से खिल रहे हैं, और इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से स्टिक निकल आई है ये देखिए, और सारे इसमें ही बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लावरिंग हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे यही सब शेयर करने वाली हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रजनीगंधा में फ्लावर्स किस तरह से ले सकते हो। तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है, 3 केयरिंग टिप्स इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप रजनीगंधा पे बहुत ढेरों फ्लावर्स आप ले सकते हो। तो स्वागत है फ्रेंड्स मेरे चैनल माय सिंपल होम गार्डन पर। रजनीगंधा का प्लांट पेरिनियल प्लांट है, एक बार आप लगा लेते हो तो ये हमेशा ही आपके गार्डन में रहता है, और इसका ये ओरिजिनली मेक्सिको का ये नेटिव प्लांट है, और इसका साइंटिफिक नेम है पॉलीएंथस ट्यूबरोजा, और ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है फ्रेंड्स। जब भी हम इसे बल्ब से लगाते हैं तो ये 3 से 4 महीने में इसमें फ्लावर्स आने में टाइम लग जाता है, मतलब 4 महीने के बाद इसमें फ्लावर्स आते हैं, और इसके फ्लावर्स जुलाई महीने से खिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जून जुलाई से, तो ये अगस्त सितंबर तक खिलते रहते हैं। मेरे यहाँ तो ये मई महीने में ही स्टार्ट हो गए इसमें फ्लावर्स आना। तो इसमें अगर हम खाद का ध्यान रखते हैं तो बहुत ही जल्दी हम इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो 3 बातों का इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप इसकी जो मिट्टी है आपको वेल ड्रेन रखनी है, और जब इसमें ये इसका सीजन स्टार्ट हो जाता है, इसमें ये ऐसे स्टिक निकलना, तो इसकी मिट्टी को हमेशा हमें मॉइस्ट रखना है इसकी मिट्टी को, तो इसके जो पानी का हमें ध्यान रखना है, और इस प्लांट को हमें फुल सनलाइट में रखना है, इसे शेड में बिल्कुल भी नहीं रखना है अगर इसमें हमें ज़्यादा फ्लावरिंग्स लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ये मार्च के महीने में ये बल्ब से मैंने लगा दिया था। तो इसे बल्ब से कैसे लगाते हैं इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, इसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, इसे किस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए, ये सारे ही ये मेरे बल्ब देखिए कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं, और बल्ब लगाने के 4 महीने के बाद में इसमें ये फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाता है, इसमें से स्टिक निकलती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बल्ब से ग्रो करना भी इसे बहुत आसान है, या फिर हम इसे डिवाइड करके भी इसे हम इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं, इसमें ये देखिए नीचे ऊपर ऊपर ये कितनी सारी कलियाँ हैं, और ये इसके जो फ्लावर्स खिलते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे नीचे के जो फ्लावर्स है वो सूखते, जैसे इस तरह से सूखते जाते हैं, और ये देखिए ऊपर ऊपर से ये फ्लावर्स इसके खिलते रहते हैं, और इसकी जो खुशबू है फ्रेंड्स, ये दिन में तो नहीं आती है, रात में बहुत ही ज़्यादा इसकी खुशबू आती है। रात में पूरा ही जो इसका वातावरण है हमारे घर का पूरा ही महकने लगता है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है। इसे आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो रात में तो बहुत ही इसकी भीनी भीनी सी खुशबू पूरे वातावरण में फैल जाती है, और इसकी केयर करना भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ये मतलब हार्डी प्लांट है। एक बार लगाते हैं तो बस फ्रेंड्स, इसको इसके पानी का और इसके सनलाइट का और इसके फर्टिलाइज़र का हमें ध्यान रखना होता है। तो इसमें जब इसका ग्रोइंग पीरियड जब स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसमें हम जैसे फर्टिलाइज़र इसमें हर 15 दिन में अगर दे देते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। इसका मैंने फरवरी में इसमें वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मैंने इसमें गुड़ाई करके बहुत अच्छे से इसमें दे दिया था, और हर 15 दिन में मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, जैसे कि मैं DAP का भी इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, और जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है जिसको मैंने घर में बनाना सिखाया था फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी कि घर में हम किस तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, तो वो वाला फर्टिलाइज़र भी मैं इसमें देती रहती हूँ, ऑनियन पील का, बनाना पील का फर्टिलाइज़र, तो ये सब मैं फर्टिलाइज़र इसमें डालती रहती हूँ। तो उसी का रिज़ल्ट है फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे से इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है। तो यही है फ्रेंड्स, बस आप इसमें ज़्यादा से, और बहुत ये हेवी फीडर प्लांट है, इसमें ज़्यादा इसको खाद चाहिए रहती है, तो अगर हम खाद इसमें देते रहते रेगुलरली तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। सबसे पहले आपको इसके मतलब पानी का ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखनी है, और इसे फुल सनलाइट में रखना है, और इसमें हर 10 दिन या 15 दिन में हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बताया है वो वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये बहुत ही अच्छे से देखिए ये फ्लावरिंग करता है।
तो यही थी फ्रेंड्स जानकारी इस प्लांट के बारे में। तो कैसी लगी फ्रेंड्स ये जानकारी, तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय।